बताओ। धनतेरस के दिन लक्ष्मणगढ़ में पुड़िया के पास जो भयंकर दर्दनाक हादसा हुआ, उसमें मृतकों को आज श्रद्धांजलि दी गई और जो उसमें घायल हुए उसके लिए परमपिता परमेश्वर से शीघ्र स्वस्थ होने की हमने कांग्रेस पार्टी की ओर से कामना की। इसके साथ साथ आगामी जो हमारी रणनीति है, जो ज्ञापन हमारा दिया गया है, वो इस मकसद से दिया गया है कि हमारी कुछ मांगे हैं जो हमने तहसीलदार महोदय को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंप कर इनको हमने अवगत कराया है। अगर उनका शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो हम तमाम लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र के लोग, जिसमें सभी संगठनों के लोग शामिल होंगे, मिलकर एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और हमारी मांगे, जो चाहे वो मुआवजे की मांग हो, चाहे वो रोडवेज चलाने की मांग हो, चाहे प्राइवेट बस यूनियनों को भंग कर उस पर नियंत्रण लागू करने की मांग हो, उचित ट्रैफिक व्यवस्था की मांग हो, इन तमाम मांगों के को लेकर हमने ज्ञापन माननीय तहसीलदार महोदय को सौंप दिया है। और हम प्रशासन को इस वीडियो के माध्यम से, आपके न्यूज चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि शीघ्र वो ये जो जनहित का काम है इसमें हमारा साथ दें और ये जो प्राइवेट यूनियन बसें जो यूनियन है उनकी मनमानी पर अंकुश लगाएं, अन्यथा लक्ष्मणगढ़ में हम इसके लिए हमारा जो प्रतिनिधि मंडल है वो बैठकर आगामी रणनीति तय कर इनका मुंह तोड़ जवाब देंगे और हमारी मांग हर स्तर पर हर प्रयास करके इसको मनवाने का पूरा प्रयास करेंगे। मांगे क्या क्या हैं सर? मांगे हमारी हैं कि मृतकों को हम 20 लाख रुपये की मुआवजे की हम मांग कर रहे हैं। जो घायल, ज़्यादा घायल हैं, गंभीर घायल हैं, उनको 5 लाख रुपये मुआवजा दे और जो साधारण घायल है उनको 2 लाख रुपए का मुआवजा दें। और सरकारी रोडवेज की जो सालासर से सुजानगढ़ जो रूट है उसको 2 लाख उसको बढ़ाई और उसके ऊपर सरकारी रोडवेज की मांग कर रहे हैं। और इनका जो प्राइवेट बस यूनियन है इनकी एक उच्च स्तरीय कमेटी प्रशासनिक गठित हो और इनके ऊपर नियंत्रण लागू, इनकी मनमानी रुके, क्योंकि अवैध किराया, बदसलूकी, अव्यवहारिकता, ये तमाम सारी चीज़ें जनहित को, आमजन को परेशान करने वाले जो भी काम है इनके। और जो भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र हैं उस पर ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था करी जाए, चाहे मोदी कॉलेज हो, चाहे वो पुलिया के पास हो, जो भीड़ वाला क्षेत्र है, मावलियों की ढाणी है, तो इन तमाम हमारी जो मांगे हैं वो हमने प्रशासन को सौंपी।